मैं अभी जो माननीय सदस्य श्री नरेंद्र यादव जी द्वारा प्रस्तुत ये उसको पिछले सत्र में भी रखा गया था और उसके बाकी अंश को आपने आज पढ़ने का काम किया है, बताने का काम किया है। वास्तव में विधेयक जो है वो विदेशी पूंजी निवेश के संदर्भ में है। मैं विदेशी निवेश के प्रावधानों का समर्थन करता हूं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इस समर्थन आंख मूंद करके के नहीं होगा, बल्कि हमें हर दृष्टि से ये सोचना होगा कि हमारी सुरक्षा निश्चित रूप से सुरक्षित रहे, हमारे बैंक सुरक्षित रहे, हमारे और जो संसाधन वो सुरक्षित रहे। मान्यवर, चूंकि आज उदारीकरण का समय है और उस उदारीकरण में पूंजी का निवेश एक देश से दूसरे देश पर चल रहा है, हिंदुस्तान उससे अलग नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में वित्तीय सेवाएं, बैंक, रियल एस्टेट, इस सबके जो ढांचागत व्यवस्था है, इसकी तकनीकी व्यवस्था पर निश्चित रूप से हमको इतना ध्यान रखना है कि कहीं इसमें कोई सेंध न लगा पाए। आज हम ये कह सकते हैं कि एफडीआई को पूरी तौर पर इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर ये कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी सुरक्षा की व्यवस्था हो वह इतनी मजबूत हो कि वह कोई हमारे सेंध न लगा सके। माननीय यादव जी ने जो संदेह व्यक्त किया है उनका संदेह सही है जी। अच्छा, वो व्यवस्थाओं में उन्होंने ये कहा कि विदेशी पूंजी निवेश को अगर ठीक से रेगुलेट नहीं किया गया तो इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। सभी से सहमत है और भारत पूरी तौर पर इस बात के लिए सन्नद्ध है कि कहीं भी हमारी सुरक्षा को कोई भी सेंध लगा सकने की स्थिति में न है। अभी वित्तीय संस्थानों में और बैंकों की स्थिति में मुझे लगता है कि 10% से ज्यादा की स्थिति अभी एफडीआई की नहीं आई है। संदेह व्यक्त यह किया गया है कि वित्तीय संसाधन अगर हम ठीक से नहीं करेंगे तो जो विदेशी संगठन है दुश्मनों के साथ मिलकर के, वित्तीय संगठन है दुश्मनों के साथ मिलकर के भारत के अर्थव्यवस्था में सेंध लगा सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा सकते हैं, हमारे फोर्स के डाटाज को चोरी कर सकते हैं, बैंकों के माध्यम से न जाने कितने लोगों के खातों को कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आज कभी कभी कुछ होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये होने के बाद भी हम इतने सन्नद्ध हैं कि होता है तो उसको पूरी तौर पर सुरक्षित रखने का भी काम किया जाता है। हमारी जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं वह एजेंसियां उसमें लग करके काम करती हैं और इसी सुरक्षा को देख करके विश्व के अनेक देशों ने अपने यहां कि कहीं हमारे देश की स्थिति गड़बड़ न हो जाए उन्होंने भी अपने सुरक्षा को पूरी तौर पर व्यवस्थित करने का काम किया। भारत भी उसमें है और जिस उदारीकरण की मैं बात कर रहा था कि ग्लोबलाइजेशन की स्थिति में भारत उससे अलग नहीं हट सकता है, लेकिन भारत आज बहुत आगे है। इलेक्ट्रॉनिक एज में सभी का सभी चल रहा है, कोडिंग है, तो ये कह दिया जाए कि नहीं पूरी तौर पर हम इसको ये खत्म हो जाएगा, मुझे लगता कि असंभव नहीं है। इस नाते राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हम ये मान करके चलते हैं कि इसका समय समय पर परीक्षण होते रहना चाहिए ताकि एफडीआई के मानने के बावजूद भी अब हमारे चीन से और भारत से व्यावसायिक संबंध अच्छे हैं, चला वो भी अपना चला, हम भी जा रहे हैं चीन में जा रहे हैं, चीन भी हमारे आ रहा है। इतना अंतर हो सकता है कि उनका कुछ अधिक हो सकता है, हमारा कुछ कम हो सकता है, लेकिन अगर ये चल सकता है तो स्वाभाविक है कि हम दोनों आपसी तालमेल के आधार पर चल रहे हैं कि आप हमारे उसमें कहीं हस्तक्षेप मत करें, हम आपके हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी
जनवरी 2020 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो दो रेगुलेशन इसी विषय पर पारित किए गए हैं, इनमें से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है, रिस्क रेवियो जो है एक्ट 2018, तथा एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम है कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूएसए। वो अपने को सुरक्षित करने के लिए किए और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं खतरे की स्थिति एक आई कि हम क्या करें। यह समिति इस बात की समीक्षा करती है कि अमेरिका में जो विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है वह कहीं अमेरिका की सुरक्षा को खतरा तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं कर रहा है, और कहीं इस निवेश का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में तो नहीं हो रहा है। हमारे यहां भी वो हो रहा है। हम यह नहीं है कि पूरी तौर पर खुला छोड़ देंगे कि अगर ओपन मार्केट है तो ओपन मार्केट को हम अपनी सुरक्षा के साथ कभी भी किसी भी स्थिति में जोड़ेंगे ही नहीं। हमारी सुरक्षा हमारी पहले होगी। हाँ, यह जरूर है कि हमें अमेरिका के इस रेगुलेशन का अध्ययन भी करना चाहिए तथा शीघ्र ही, जैसा कि जाधव जी ने अपने विधेयक में कहा है, यहाँ पर एक समिति बनानी चाहिए जो एक एक्सपर्ट्स की हो और वह एक्सपर्ट इस पर विचार करने के बाद इस बात को कहें कि कितना हमको रोक लगानी चाहिए, कितने हद तक हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह कि पूरी तौर पर हम इसके डिनाइल कर दें, इनकार कर दें, मुझे लगता है कि अभी कहीं उचित की स्थिति नहीं होगा। अभी देश में हुए कुछ उपद्रवों पर भी यह बात आई थी कि कहीं न कहीं इसका संबंध बाहरी शक्तियों के द्वारा इस पर वो किया गया और वो बाहरी शक्तियां आकर करके हमारी सुरक्षा की एजेंसियां जो लगातार लगी हुई हैं उन्होंने इस पर आशंका भी व्यक्त की और कहीं कहीं वो खतरे सामने भी आए और सामने आए हुए खतरों को फिर हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने निपटने का भी काम किया। अभी नेपाल के माध्यम से सरजील जो यहां आया था, यहां आकर के अपनी बात को कह रहा था, सरजील पर भी जब सुरक्षा एजेंसियों ने जांच किया तो पाया कि किस तरह से गड़बड़ कुछ एजेंसियां करना चाहती है। ऐसे ही नेपाल में बैठ करके एक व्यक्ति पूरे रेलवे में अपना टिकटों के माध्यम से पूरा ढांचा जो है वो गड़बड़ करने का प्रयत्न कर रहा था, फिर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां सन्नद्ध होकर के उसको भी जो है उसके कई लोगों को पकड़ने का काम किया। अभी मुख्य व्यक्ति नहीं पकड़ा जा सका, मुझे लगता है कि वो भी पकड़ा जाएगा। ये सारे के सारे जो जब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही थी तो पाई कि राष्ट्र विरोधी कई ऐसे संगठन जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं और ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अगर हम पार नहीं पाए तो हमारे सुरक्षा को कहीं न कहीं भेद सकते हैं। लेकिन वह स्थिति हम नहीं जाने दिए और हम ये पाए कि हमें निश्चित रूप से अपने सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए और भरोसा रखने के आधार पर उसको पूरा करना चाहिए। एक और विषय है लोगों के आधार पर, जैसे डाटा, महत्वपूर्ण संस्थानों में डाटा की सुरक्षा। अभी भी बैंक, बीमा या अन्य संस्थानों में डाटा चोरी कभी कभी हुआ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सन्नद्ध रहने के नाते वो डाटा जो गए वो तुरंत पकड़ में भी आ गए और उन पकड़ में आने के साथ साथ ही यह प्रश्न उठने लगे कि हमको हर समय कैसे कैसे इस पर समीक्षा करनी चाहिए। भारत में अब चूंकि इस प्रकार से भारत की पहले से उदारीकरण की नीति रही है, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने समय में जो उदारीकरण की नीति दी उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि नहीं, भारत आगे आया, विश्व की स्थिति में भारत का नक्शा बदला। अगर उस समय नहीं हुआ होता तो एक संकुचित स्थिति में हम रहे होते, लेकिन आज वो हो जाने के नाते और वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको जब आगे बढ़ाया
तो आगे बढ़ाने के बाद पूरा पूरा विश्व जो है इस पर ध्यान दे कर करके रहा है और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए हिंदुस्तान को हम इसे न लेकर के पूरी तौर पर खत्म नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं। हम सुरक्षित कैसे रहें इस विषय पर जो आदरणी नरेंद्र यादव जी ने वो किया है, निश्चित रूप से यही है कि हम कैसे सुरक्षा के साथ इस बिजनेस को करें, ये महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से पूरे सदन को इस पर विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद अपने सजेशन को भी देना चाहिए, जिसे सरकार को आवश्यक हो तो उस पर अपना कहीं न कहीं विश्वास व्यक्त करते हुए कार्य करके, क्योंकि सदन का जो विषय होता है वो सरकार का विषय होता है। मनोहर, अमेरिका में भी एक व्यवस्था ऐसी की गई कि विदेशी निवेश पूंजी जो लगता है उसे एक वॉलंटरी सर्टिफिकेट देना होता है, और वो वॉलंटरी सर्टिफिकेट जो वो देता है उसके आधार पर वह सुरक्षा सुरक्षित रहती है। शायद मुझे लगता है कि मैं यह महसूस करता हूं कि यहां भी उस प्रकार की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए, जिससे जो कंपनी आती है, जो लोग आते हैं भारत में व्यापार की स्थिति में आती है या विदेशी निवेश यहाँ वो होता है, उसके आधार पर कहीं उसमें चोरी ना कर सकें, क्योंकि उनको पहले से ही वह सर्टिफिकेट जब वो दे देते हैं तो उससे संबद्ध रहते हैं, इस नाते वो उससे बाहर नहीं जा सकते। ऐसे ही कुछ देशों में पूंजी निवेश को डिजायरेबल और अनडिजायरेबल के स्थिति में भी लिया गया है, इस कैटेगरी में लिया गया है। इन दोनों में बांटा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले विषय को भी उसका असर को ध्यान दिया जाता है, कुछ सेक्टर को निवेश से बाहर भी रख देते हैं। अब यहाँ भी जब विचार किया जाए तो ये देखा जाए कि इसमें कितने सेक्टर को रखा जाए, कितने को बाहर रखा जाए, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसको हम उसको नहीं दे सकते हैं, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसको हम दे सकते हैं। तो इस पर जब हम विचार करें, सदन में कई बार इस पर विचार हुआ है कि फोर्सेस की स्थिति को जो हम कहां तक ले जा सकते हैं, जो भारत की पूरी तौर पर सुरक्षा के साथ जुटा हुआ है, तो इस पर भी हम लेकर के चलेंगे। और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि तमाम जो अन्य देश इस पर रिसर्च कर रहे हैं, भारत को भी इस पर पूरी तौर पर ध्यान दे करके करना चाहिए। और हमें पूंजी निवेश की जब आवश्यकता है वो हम करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर किसी भी स्थिति में भारत इसको स्वीकार करेगा नहीं, किसी भी स्थिति में भारत इसको स्वीकार करेगा नहीं। हम स्वीकार करेंगे तो हमारी सुरक्षा पहले होगी, उसके बाद ये सब कुछ होगा, क्योंकि भारत विश्व में भारत ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो भी केवल बचत के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी रहती है और वह कहीं भी डिग नहीं पाती है। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी सुरक्षा को भी देखें, उसके पहले हम अपनी वित्तीय स्थिति को भी देखें, हमारी वित्तीय स्थिति भी सुरक्षित रहे, हमारा जो बिजनेस है अन्य देशों से वो चलता रहे, हम अपने पॉलिटिकल रिलेशंस जो है उसको चलाते रहे। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता इस बात की जरूर होनी चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे सुरक्षित है, ये मेरा ये विषय है। और इसी विषय को लेकर के मुझे लगता है कि पिछले सत्र में भी आदरणीय यादव जी ने यह पूरी तौर पर विषय रखा, आज भी उन्होंने जो बात कही वह बहुत साफ शब्दों में उन्होंने इसको वो किया, भाई बैंक में जो सीमा है वो 74% की जो आपने वो करके दिखाया है, तो हम उसको कैसे कितना तक ले जा सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। मलेशिया में 30% है, कंबोडिया में 40% है, 74% है, तो परिस्थितियां अलग अलग है, उन परिस्थितियों के अलग अलग होने के आधार पर भारत ने अपनी एक व्यवस्था दिया। मलेशिया छोटे आधार पर अपना वो करता है, कंबोडिया बहुत छोटे आधार पर करता है, भारत
की जो अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व को प्रभावित भी करती है। ऐसा नहीं है कि भारत की ही अर्थव्यवस्था को कोई प्रभावित कर, अभी तक नहीं कर पाया है। तो भारत स्वयं अपने बिजनेस के द्वारा, ये आज से नहीं प्राचीन समय से हो रहा है, भारत के माल जो है चीन तक जाते रहे हैं, भारत के माल उधर होते हुए अमेरिका तक जाते रहे हैं, और जाते रहे तो वहां से पूंजी का निवेश होता रहा है। पूंजी के निवेश में भी उस समय भी सुरक्षा को हमेशा लोग ध्यान देते रहे, जब कभी नावों से, बड़े हुए जहाजों से वह अपना व्यापार करते थे, तब भी यह सुरक्षा हमेशा सुरक्षित रही है, और भारत की सुरक्षा को उस समय भी कोई भेद नहीं पाया। तो मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में जब भारत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आगे निकल गया है, भारत की सेनाओं पर चर्चा होती है, भारत के बैंकिंग सेक्टर पर चर्चा होती है, भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होती है, तो भारत कहीं भी खत्म हो जाए यह स्थिति नहीं हो सकती है। इस नाते मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जितने भी हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अब, आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है पाकिस्तान को यही ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। आज भी हम कितने मजबूत हैं कि बहुत से लोगों ने प्रयत्न किया, प्रयत्न करने के बाद अभी भारत थोड़ा बहुत छेद कर दें, लेकिन कर नहीं पाए। परिणाम यही रहा कि हम एकजुट हैं, हम बचत की स्थिति जानते हैं, हमारे पास सबसे पहला यह रहता है कि हमारी सुरक्षा प्रथम है, बिजनेस बाद में है। तो एफडीआई भी कहीं ऐसी स्थिति नहीं ला करके खड़ी कर देगी कि जिससे भारत को पूरी तौर पर उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को खत्म कर दे। इस नाते मेरा यह मानना है कि हमें शीघ्र ही सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रिव्यू कमेटी की का गठन करना चाहिए। इसके गठन से मैं यह मान सकता हूं कि निश्चित रूप से इस पूरे पर विचार होगा, बिजनेस भी चलता रहेगा, विदेशी पूंजी भी आती रहेगी, भारत के उसमें लगता भी रहेगा। अभी भी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट भाषण दिया था तो बजट भाषण में भी उन्होंने ये कहा था कि हमारे अप्रवासी लोग जो हैं वो भी अगर अपने पैसे को यहाँ पर लगाते हैं तो उनके उस पैसे पर तो नहीं, लेकिन यहाँ के पैसे पर भी हम टैक्स लगाएंगे। कुछ अखबारों ने उसको न समझ करके दूसरी बात लिख दिया कि अब तो विदेश अप्रवासियों पर भी टैक्स लगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके उस लाभ पर कोई टैक्स नहीं है, बल्कि भारत में चलने वाले उनके उद्योग हैं, भारत में चलने वाले उनके निवेश हैं, इस पर निश्चित रूप से भारत सरकार सन्नद्ध होकर के टैक्स लगाएगी। इस बात को उन्होंने कहा तो इस आधार पर कहा कि अगर यहाँ के लोग टैक्स देते हैं तो वह पैसा अगर यहाँ आकर के जाता है तो वह पैसा सिर्फ इस नाते न बचा रहा है कि वह अप्रवासियों का पैसा है, बल्कि इस नाते कि अब हिंदुस्तान में आने के बाद वहाँ से आया तब हम टैक्स नहीं लिए, लेकिन जब यहाँ के बिजनेस में लगा है तो निश्चित रूप से हमें उस बिजनेस के आधार पर वह टैक्स लेना चाहिए। इस नाते वह अनुराग जी यहाँ बैठे हुए हैं, बजट भाषण में आप लोगों ने तैयार किया था तो सरकार ने उसका पक्ष रखा। तो मानोर मेरा यह मानना है कि भारत को इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने के साथ साथ उसकी सतर्कता रखनी चाहिए, हमारी सुरक्षा को कोई छेद न लगा सके इसका इसकी बात रखनी चाहिए, हम पूरी तौर पर सुरक्षित रहे इसकी बात रखनी चाहिए। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आधार पर अगर पूरा विश्व चल रहा है तो हम इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, वह पूंजी आएगी। खतरा केवल चीन से जताया जा रहा है और मुझे लगता है कि चीन भी आज भी, चूंकि भारत तो बहुत बड़ी आबादी का वो है तो यहाँ आकर के करेगा, चीन के भी जो निवेश है हमारे यहाँ है और हमारे भी वहाँ है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर लेंगे। मुझे लगता है कि हम भी आखिरकार बड़े सीने वाले हैं और बड़ा भारत बड़ा मन भी रखता है और सतर्कता भी रखता है।
तो हम बड़ा मन कर करके इसको स्वीकार भी करेंगे और सतर्कता के आधार पर इस देश में इसको चलाएंगे और पूरे विश्व में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस व्यवस्था को एकदम से चुस्त दुरुस्त करेंगे। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद शिवप्रताप शुक्ला जी।